काफी ज्यादा हमारा भाई। नहीं 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 भाई, ऊपर 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 क्या हो गया? इतना प्रेशर नहीं है बेयर्स का, और मेरे को लग रहा था मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगी, पर वो कंटिन्यूसली डाउन 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 ही जा रही है। Hi guys, मेरा नाम है कबीर खन्ना, और अगर आपको नहीं पता है मेरा एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो और ज्वाइन इन करके पैसे बनाना आज ही से शुरू करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कबीर खन्ना, या फिर आप मेरे को मेरे चैनल के नाम से जानते हो, देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और अच्छी बढ़िया और सिंपल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जिसको हम यूज करके प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, बस आपका एनालिसिस सही होना चाहिए और आपकी जो है स्ट्रैटेजी पे ग्रास्प होनी चाहिए, ताकि आप जो है उससे प्रॉफिटेबल हो पाओ। प्रॉफिटेबल होने के और भी तरीके अगर आप जानना चाहते हैं, उनमें से एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत ही जल्द तरीका है, जो कि है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसको जाके चेक आउट करना, क्योंकि हर एक दिन वहाँ पे फ्री सिग्नल दे रहा हूँ मैं आपको, जिस पे आप बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वहाँ पे जो है मैं अपनी पर्सनल जो बनाई हुई स्ट्रैटजी को यूज़ करता हूँ, जिसके साथ मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहता हूँ, चाहे हमारे थोड़े बहुत लॉसेस भी हों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर प्रॉफिटेबल एंड मैनी पीपल आर ओवर देयर। जस्ट गो एंड चेक इट आउट, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोमो कोड आपको मिलने वाला है। प्रोमो कोड आप किस चीज़ का है? ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो और यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म आपका है एक्सपर्ट ऑप्शन, तो प्रोमो कोड आपको हेल्प करेगा पहली डिपॉजिट में। आपका पहली डिपॉजिट पे 120% जो है आपको प्लस मिलेगा। सपोज करो 1000 रुपये लगा रहे हो, आपको 2200 रुपये मिलेंगे अपने पहली ही डिपॉजिट में, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखना, सरप्राइज होगा वो आपको, एकदम से दिखेगा प्रोमो कोड, और उसको जल्द से जल्द यूज़ कर लेना। सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आज का सेटअप कर लेते हैं। स्मार्टीज पे जाने वाला है। स्मार्टीज की मार्केट जो है मैंने 30 सेकंड्स पे ही रखी हुई है, और जो हमारा चार्ट है वो कैंडल्स 5 सेकंड पे, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी देता हूँ कैंडल्स 5 सेकंड्स। इसको कंफर्म कर देंगे या फिर क्रॉस कर देंगे। कंफर्म वाला बटन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। इंडिकेटर्स आज हम यूज़ करने वाले हैं, सिंपल एंड ईजी जो है हमारा एक, हम फ्रैक्टल इंडिकेटर, फ्रैक्टल की जगह चलो पैराबोलिक सार्स करते हैं आज। पैराबोलिक सार्स हमारे हो गए हैं, क्योंकि फ्रैक्टल्स जो है ना कई बारी रॉन्ग जजमेंट देता है, तो उसकी अलावा मैं आपको बेटर जो है वो ये बताऊंगा कि पैराबोलिक सार्स आप यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर है, मूविंग एवरेज की तरह चलते हैं, बट आप उसमें जजमेंट अच्छी से कर सकते हो कि मार्केट ऊपर नीचे कब जा रही है। फ्रैक्टल्स में भी होता है, बट मेरे को पैराबोलिक सार्स पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो दूसरा इंडिकेटर जो है हमारा मैकडी इंडिकेटर, सिंपल एंड ईजी, को कुछ भी नहीं चेंज कर रहा मैं, बिल्कुल आपको जो बेस जो हमारे हमें मिलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग वाला, उस पर आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा और पैसे बना के दिखाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्टिंग अमाउंट जो है मैं 25,000 रुपये रख रहा हूँ, और अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट स्टेबल चल रही थी, फिर उसके बाद डाउनवर्ड प्रेशर बना, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, अब मार्केट फिर से नीचे को जा रही है। तो यहाँ पे जो है मार्केट मेरे हिसाब से नीचे को अभी नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर ऊपर की तरफ उठ रही है, बट मिड में रह रही है, ठीक है? बट अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर गई मार्केट, नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, अब ऊपर को जा रही है, अब थोड़ा सा नीचे को भी जाएगी। तो मेरे को ये लग रहा है अभी मार्केट थोड़ा पीक करेगी ऊपर को, और फिर उसके बाद जो है नीचे को गिरना शुरू कर देगी, जो कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमारा होना चाहिए। तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, और फिर उसके बाद जो है नीचे को गिरनी चाहिए, नीचे आ जा आ जा आ जा आ जा, बहुत अच्छे, नीचे को नीचे को नीचे को। जैसा कि मैंने बोला कि हम अगर मार्केट के ट्रेंड को भी देखें, तो सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट है ऊपर नीचे का ट्रेंड चला रही है, बट यहाँ पे क्लोज हो सकता है काफ़ी, क्योंकि जो हमारे बुल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को फ्लक्चुएट करा रहे हैं, तो आखिरी कैंडल जो है वो रिस्की हो सकती है हमारे लिए बहुत। बट यहाँ पे हमने जो है प्रॉफिट बना लिया अपनी पहली ट्रेड पे ही, हमने 6,20,000 रुपये से शुरू किया था, 26,000 रुपये से, और हमने उसमें से 25,000 रुपये लगाए, 46,500 रुपये बना लिए, 20,000 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, 21,500 टू बी एग्जैक्ट। और ये जो है आप देख सकते हो कि हमारा अमाउंट जो है 6.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है,
तो 48,000 रुपीज ही अपने जो है लगाते हैं यहाँ पे। वेट अ सेकंड, ओके, तो यहाँ पे 48,000 रुपीज ही लगाएंगे। और अब जो है मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर को तो नहीं जाएगी, बट नीचे भी इतना नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पहले जो मार्केट है नीचे चल रही थी, फिर उसके बाद ऊपर चली, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी हमारी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं है। मार्केट काफ़ी ऊपर को जा रही है, बट नीचे को गिरनी चाहिए यार यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है मार्केट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ऊपर को स्टे करेगी, फिर उसके बाद नीचे को गिरनी चाहिए यार ये हमारी मार्केट। तो यहाँ पे गिरना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे मैं एंट्री पॉइंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि काफ़ी हम एक हाई पोजीशन पे हैं, काफ़ी अच्छा खासा हमें मार्जिन मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर इतनी ऊपर थी तो उतनी ही नीचे भी गिरनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। बट यहाँ पे जो मार्केट थोड़ी थोड़ी ऊपर को भी उठ रही है, तो मैं डबल डाउन करके ऊपर का लगा दूंगा अगर मेरे को ज़्यादा मार्केट ऊपर को उठती हुई दिखेगी, बट दिख नहीं रही है। और यहाँ पे हमारा सेफ मार्जिन है, तो घबराएंगे नहीं और मार्केट के साथ साथ चलेंगे उसके ट्रेंड्स के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया है, सिंपल एंड ईजी। हमने जो है 48,000 लगाए थे, 89,280 रुपीज हमने यहाँ पे कमा लिए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, और हमारा अमाउंट जो है हमने रेज कर लिया है, हमने लगभग लगभग जो है 70,000 रुपये बना लिए अभी तक, ठीक है। तो आज का मेरा गोल है कि हम 1,00,000-1,20,000 रुपये बनाएं, तो उसी के हिसाब से जो है मैं ट्रेड जो अपना प्लेस करना चाहता हूँ अगला, वो मैं करना चाहता हूँ 65,000 का, ठीक है। पर अगर मेरे को लगेगा कि जो मार्केट है वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो टेस्ट ट्रेड लगा के जो है चेक कर लेंगे मार्केट को, फिर उसके बाद उस पर जो है डबल डाउन करके हम अपना जो है लगा के पैसे ऊपर नीचे जो भी ट्रेड होगा हमारा उस पर लगा देंगे। मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट ऊपर को उठनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है मैं 1-0 को उतार दूंगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला ऊपर को लगाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे को जाके यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो रिवर्सल आएगा तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लगा देंगे, अगर नहीं आएगा तो वेट करेंगे अगली ट्रेड पे जो है डाउन का या फिर अप का ही लगाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर को जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी नीचे को जा रही है। थोड़ा सा अगर जूम आउट करके भी देखें तो यहाँ पे हमारा जो था बॉटम था बिल्कुल, और उसी के लगभग पास में हमारी मार्केट जा रही है, और यहाँ से जो है मार्केट ऊपर को उठनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है अगली ट्रेड हमारी जो है ऊपर को लगाएंगे। 6500 हमने जो है टेस्ट पे लगाए थे, टेस्ट हमारा जो है हमें पता लग गया मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो यहाँ पे जो है एक अपवर्ड ट्रेंड में जो है अपना ट्रेड लगा देंगे 65,000 रुपए का। बट मार्केट कंटिन्यूसली डाउन की तरफ जा रही है भाई, बताओ, ऊपर को यहाँ पे जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पैराबोलिक सार्स भी यहाँ पे काफी क्लोज आ रहे हैं, और MACD भी हमें दिखा रहा है कि भाई मार्केट ऊपर को उठने की कोशिश कर रही है, बट काफी ज्यादा हमारा भाई नहीं 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 अरे 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 अरे, तो हमने जहां पे शुरू किया था वहीं पे आ गए हैं भाई, स्टार्ट फिर से। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ज्यादा जो लॉस को है ज्यादा दिमाग पे नहीं चढ़ने देंगे, हम थोड़ा सा माइनस में हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम वापस आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाएगी यहाँ से, नीचे तो जाने नहीं वाली। और तो अगर तो ज़्यादा ऊपर जाएगी तो मैं एक और 65,000 रुपये का लगा दूंगा, और मेरे हिसाब से जो मार्केट है ऊपर को चली जाएगी, थोड़ा सा नीचे स्टे कर रही है भाई। ऊपर 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 क्या हो गया, इतना प्रेशर नहीं है बेयर्स का भाई साहब। तो मार्केट का बिल्कुल ही यहां पे जो है ट्रेंड चेंज ही हो गया भाई, बेयर्स और बुल्स क्या कर रहे हैं भाई, बुल्स हमारे क्या हो गया उनको,
आप देख रहे हो हमारा जो है ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे मार्केट जो है नीचे जा रही थी, ऊपर गई, फिर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया और हम भाई काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। और मेरे को लग रहा था मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगी, पर वो कंटिन्यूसली डाउन 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 ही जा रही है। यहाँ पे अब ऊपर जानी चाहिए, ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा। अगर यहाँ पे भी हमारा लॉस हो गया, क्योंकि मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो मैं आज का ये ट्रेडिंग सेशन यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि भाई ज़्यादा लॉस में अपना जो है नहीं रखना चाहिए। और अगर ज़्यादा आपके लॉस हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से तब आपको जो है सेशन ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ पे भी मेरे को ये लग रहा है भाई बहुत ही भाई आज भाई मार्केट देखो, हमारा एंट्री पॉइंट देखो, ग्राफ देखो आप यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है। मैं यहां से टर्न बैक करना चाहता हूं, बट मैं अभी के लिए ब्रेक लूंगा। इसी स्ट्रैटेजी को यहीं से हम जो है पिकअप करके इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर पाऊँ, और फिर उसके बाद जो है इसी मार्केट को मैं बीट करूँगा इसी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि हम सही खेल रहे थे। फिर उसके बाद जो है मार्केट एकदम से ही भाई आप देख रहे हो क्या होने लग गया था वहां पे, तो इसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आता हूँ और ये दो पार्ट्स की वीडियो हो जाएगी हमारी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं इसको छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा बिल्कुल सही चल रहा था, एनालिसिस भी बिल्कुल सही था। एंड पे आके जो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, अपने हाव भाव बदले हैं, उसको हमने देख लिया है, और उसको जो है अब हम देख के उसका इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल होके ही बंद करेंगे। 7 लाख रुपये पे जो है मैं अपना सेशन जो है अगला एंड करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी मैं आपको कंटिन्यू करूंगा इसको। तो अभी के लिए जो है मैं ट्रेडिंग सेशन को पॉज कर रहा हूं, बट यहीं से शुरू करेंगे 4,88,230 रुपए से, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी रखेंगे, मैं भी जाऊंगा थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, थोड़ा सा कुछ देखूंगा दिमाग को ठंडा करके, इसी स्ट्रैटेजी से इसी मार्केट में आपको प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, कमेंट डाउन बिलो कि कैसी लगी वीडियोस, क्योंकि मैं जो है भाई कमेंट आप जो है अगली वीडियो पे ही करना, आप शायद वहाँ पे थोड़ा सा गैप आएगा 1-2 दिन का, बट जो है आपको वीडियो अच्छी देखने को मिलेगी, तो पार्ट 2 जो है ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी जो है मैं इसको कंट्रोल करूंगा मार्केट को, ठीक है। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता लग जाए। आपको पता है यार, ये जो भी मार्केट है ना, मेरे को थोड़ा सा चैलेंज दे रही है, क्योंकि हमारा जो था सही था, और ये चैलेंज मेरे को इरिटेट भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे ग्रोथ की, तो देखते हैं कि क्या और कैसे होगा, क्योंकि ये काफ़ी कम होता है मेरे साथ कि जो स्ट्रैटेजी हमारी चल रही हो और उसके बीच में ही जो हमारा ट्रेंड और जो इतने हाव भाव मार्केट के बदल जाए, ठीक है। तो इसको मैं बीट करना चाहता हूँ, तो मैं बीट करके रहूँगा थोड़ा सा ब्रेक लेके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।